हाय फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में सीवी एडिटिंग के आपके दो ट्रिक बताऊंगा। पहले ट्रिक में बताऊंगा कि सीवी एडिटिंग के जैसा बैकग्राउंड में शाइन और कपड़ों में शाइन कैसे डालें, और दूसरी ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि सीवी एडिटिंग के जैसा फेस को क्लीन कैसे करें। पहले ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रिक में सबसे पहले आपको एफएक्स ऑप्शन दिख रहा हो, उस पर आपको क्लिक कर देना है। एफएक्स पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये आर्टिस्टिक ऑप्शन दिख रहा है, इसके बाद सबसे लास्ट में चले जाना है टाइटल वन के ऑप्शन पे। चले जाना है टाइटल वन के ऑप्शन में। जाने के बाद आपको मल्टीप्लाई में चले जाना है। उसके बाद इरेजर पे क्लिक करके कुछ भी रिमूव नहीं करना है आपको, ओनली आपको फेस को कर देना है एकदम क्लियर, जैसा है वैसे ही रहने देना है। उसके बाद फेस को आपको क्लीन करना है। आपको अच्छे से फेस को फेस के बाहर नहीं जाते, अच्छे से करना है। उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए बैकग्राउंड में और आपके कपड़ों में शाइनिंग आ चुकी है। अब थोड़ी हम कपड़ों में लाइट बढ़ाएंगे, उसके लिए आपको एफएक्स ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कलर के ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद ये पत्तियाँ दिख रही होंगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड में जाना है, बैकग्राउंड पे छोड़ देना है। उसके बाद जौन सा कलर करना है बैकग्राउंड में वो कर देना है। हम थोड़ा डार्क करेंगे, इसलिए हमने डार्क कर लिया। राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हमें बैकग्राउंड में और कपड़ों में चमक डालना है, इसमें एफएक्स ऑप्शन में फिर क्लिक कर देना है। उसके बाद कलर सैचुरेशन में चले जाना है और सैचुरेशन को बढ़ा देना है। उसके बाद आपको इरेजर पर क्लिक करके अपने फेस पर चला देना है। ये देखिए सीवी ऐसा लुक आ चुका है आपके कपड़ों में और बैकग्राउंड में। अब आपको सीवी ऐसा लुक अपने फेस पर करना है। सबसे पहले आपको आर्टिस्टिक अमाउंट को एड रखने के बाद इरेजर पे क्लिक करके सब रिमूव कर देना है। उसके बाद अपने फेस पर चला लेना है। ये देखिए आपके चेहरे पर थोड़ा ऑयल पेंट आ रहा है। उसके बाद आपको अपने टी शर्ट पे भी चला लेना ताकि सी भी इफेक्ट दल जाए पूरे उसमें फोटो में पूरे। उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको फेस को क्लीन करना है एकदम, उसके लिए टूल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा ये साइड में, इस पर आपको क्लिक कर देना। फिर क्लीन को ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर इसको थोड़ा बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद इरेजर पर क्लिक कर देना है। आपको इरेजर पर क्लिक करने के बाद सब रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने फेस पर चला लेना है। ये देखिए सी भी ऐसा आपका फेस क्लीन हो रहा है। आपको अच्छे से करना है बिल्कुल। उसके बाद आपको सही से चला देना है। रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ये देखिए अब पूरे फोटो पे आपको सी इफेक्ट आ चुका है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और ऐसी ट्रिक बताने के लिए नीचे कमेंट करें ताकि मैं अगली वीडियो सी एडिटिंग के ऊपर ही डालूं।